इस तरह से बड़े सुनियोजित तरीके से हिंदुस्तान से भगवान गायब कर दिए गए फिल्मों में, मैं सही कह रहा हूँ, उसमें उन्होंने बताया कि 60 से 70 के बीच में जो फिल्में बनी उनमें जो कहानी के अंदर भगवान का या भगवान की महिमा का कहीं ना कहीं किसी प्रकार उल्लेख 68% फिल्मों में होता था। 80 जहां पे सलीम जावेद पैदा हुआ, दोनों ये दोनों जोड़ी कलंकित जोड़ी पैदा हुई, तो वो 68 से घटकर 62 पे आ गया। अन्नू कपूर पे खुद जूते चलने लगे हैं, अन्नू कपूर अपनी जान बचाने के लिए अपनी खाल बचाने के लिए कर रहा है, तो अन्नू कपूर के बाल अब उगे, उसके अकल की डाढ़ अब निकली कि ये आकर इस मुकाम पे आके बोल रहा है वो। सर लगातार हम लोग तो वही कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि लगातार कई शो हम लोगों ने बॉलीवुड पर किया और उस समय समझ में नहीं आता था जब हम ये कहते थे कि सलीम जावेद की जोड़ी ऐसा क्यों कहवाती थी कि माँ दीवार में, माँ मैं मंदिर नहीं जाऊंगा माँ, और फिर उसी अमिताभ बच्चन से 776 नंबर का बिल्ला पहनवाता था जबकि वो मुसलमान नहीं होता था, एक मौलाना से कहलवाया जाता था। ये बार बार अब उस समय समझ में ही नहीं आता था कि ये काम अमिताभ बच्चन से वो क्यों करवाते थे। और एक दो नहीं, मुझे याद आता कि आपने जो सबसे पहले मुझे मेरे ध्यान में भी नहीं था जब आपने कबीर खान का रोल शाहरुख खान ने किया, उस बेहूदे को तो सब पता रहा होगा कि वो नेवी साहब थे, कैसे फेक नैरेटिव। ये खेल लगातार चल रहा है बॉलीवुड में, अब तो अन्नू कपूर ने पूरा पोल खोल कर रख दिया है। हाँ मैं याद दिला दूं जरा बनी जी दर्शकों को कि अभी अन्नू कपूर ने 2-3 दिन पहले जब कहा तो बड़ा तहलका मचा कि अन्नू कपूर ने बोल दिया ये बात। मनीष जी जो कह रहे हैं संभवतः 2021 या 2022 में हम लोगों ने कार्यक्रम में मैंने बड़े डिटेल में इसमें बात की थी, और जरा बेशर्मी देखिए और इनकी दबंगई देखिए, कितने बेखौफ थे, कितने बेखौफ और बेशर्म होकर झूठ बोलते थे कि इन्होंने वो चक दे इंडिया जो पिक्चर थी हकले की, उस हकले की पिक्चर को इन्होंने ये कहकर प्रचारित किया, ये कहकर इन्होंने वाहवाही लूटी कि ये सच्ची कहानी पे आधारित है, तो सच्ची कहानी नहीं, उसका उसका शुरुआत ही पूरा झूठा था और बाकी वो पूरी कहानी झूठी हो जाती है क्योंकि इन्होंने उसमें जो गोलकीपर जिसको हीरो बना के पूरे पिक्चर में प्रस्तुत किया उसका नाम इन्होंने कबीर खान रखा, जबकि मैंने बताया था कि वो मीर रंजन नेगी उनका नाम था, 82 के एशियाड में गोलकीपर थे वो, और उस मीर रंजन नेगी को इन्होंने कबीर खान बनाकर हीरो बना के प्रस्तुत किया। और जरा कहा हकले का एक और बता दूं बनी जी, हकले का और बहुने का कि मेरे ख्याल से 2009 में जब ये भाजपा की कैंपेन चल रही थी तो वो हकले ने एक पिक्चर रिलीज की थी, मेरे ख्याल से मैं नाम बोल रहा हूँ देखिए उसका, जिसका गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ था कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं मारे जाते हैं, गाना था खाए जाते हैं, तो उसको जब बीजेपी ने मांगा तो हकले ने देने वो बहुने ने देने से मना कर दिया कि हम ये गाना आपको नहीं दे सकते, और वो गाना बाद में कांग्रेस की रैलियों में खूब बजा, लगातार बजा, धुआंधार बजा, तो बहुने ने उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन भाजपा के लिए मना हो गया था, चक दे इंडिया भी भाजपा के लिए मना हो गया था, वो हकले की थी, तो ये हकला हो चाहे वो बहुना हो, ये दोनों मिलकर इस तरह से कैसे एजेंडा चलाते थे और झूठ का। तो अन्नू कपूर ने कुछ नया नहीं कहा, जो अभी अन्नू कपूर के लिए मनीष जी ने बात कही तो वो केवल वो भी बड़ा बहुत परम थोड़ा हल्का सा सुना देते अन्नू कपूर ने कहा क्या है, और वही बात कही है जो आप 2 साल पहले इस मंच से कह चुके हुए हैं, जरा सुनिए अन्नू। ये भी एक समय लेफ्ट लिबरल हुआ था, बाद में कर चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर, लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक व्याधि है जिसे गंगा जमनी तहजीब के नाम पर एक लेबल लगा दिया जाता है। एनीवे वो सारी चीजें हम सब सर ये बात तो सालों से हम लोग कहते रहे हैं, ये बात कि कैसे पंडित जो है वो बहसी है, ठाकुर यदि है तो वो गुंडा है, बनिया यदि है तो बेईमान है, और देश इस बात को समझ ही नहीं पाया सलीम जावेद के इस षड्यंत्र को। नहीं मनीष जी समझ नहीं पाया, और जानबूझकर किस तरह से इन्होंने गला घोटा सच का, जिन लोगों ने सच बताने की कोशिश की, तो मैं बता दूं कि ये सच आज से 9 साल पहले IIM रोहतक के प्रोफेसर थे धीरज शर्मा, उन्होंने अपने बकायदे इस पर रिसर्च करके, वो IIM के प्रोफेसर थे, वो कोई पैसा लेके बिक जाने वाले वो फिल्म समीक्षक नहीं थे, जो फिल्म समीक्षक ट्विटर पे आके स्टार बांटा करते हैं पिक्चरों को, वो उस टाइप के नहीं थे, वो IIM रोहतक के थे, और उन्होंने बाकायदे सन 60 से अभी तक की फिल्मों का अध्ययन किया, जो टॉप जो फिल्में हुआ करती थी, जो मेन फिल्में होती थी, और उसके बाद उन्होंने 2015 में अपना पूरा पेपर रिलीज किया था कि किस तरह से बड़े सुनियोजित तरीके से
हिंदुस्तान से भगवान गायब कर दिए गए फिल्मों में। मैं सही कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की फिल्मों से भगवान गायब कर दिए गए। उन्होंने उन्होंने बड़ी जी जो डाटा दिया था उसमें उन्होंने बताया कि 60 से 70 के बीच में जो फिल्में बनी उनमें जो कहानी के अंदर ईश्वर का या सीधे सीधे को भगवान का या भगवान की महिमा का कहीं ना कहीं किसी प्रकार उल्लेख 68% फिल्मों में होता था। जरा गौर करिए, 68% फिल्मों में भगवान का उल्लेख होता था। उसके बाद जो दूसरा दशक आया 70 से 80, जहां पे सलीम जावेद पैदा हुआ, दोनों ये दोनों जोड़ी कलंकित जोड़ी पैदा हुई, तो वो 68 से घटकर 62 पे आ गया, तो फिर भी चलता रहा वो। और 80 से 90 का उन्होंने बताया कि 80 से 90 60% हुआ, यानी 68% से वो 60% हो गया 20 साल के अंदर। जरा अभी इनकी गति देखिए, जो उन्होंने बताया वो चौंकाने वाली है। लेकिन वहां तक तो 8% घटने में उसको 20 साल लगे, लेकिन 90 से जब दाऊद का पूरी तरह से कब्जा हो गया बॉलीवुड की इंडस्ट्री के ऊपर, तो 90 से जो 2000 है उसमें मनीष जी वो घटकर आ गया 42%, यानी 10 साल में 18% और घटा। 42% फिल्मों में ईश्वर आपको भगवान या भगवान से संबंधित कोई प्रसंग या कोई उनका उल्लेख आपको मिलता था। लेकिन मनीष जी उसके बाद जो हुआ है कि 2010 और 2000 से 2010, जो जरा गौर करिए स्पीड कितनी तेजी से गायब हुई, ये 90 से जब से हकला आया, बौना आया, वो जो आए वो पाकिस्तानी आ गया सैफ अली खान, इस टाइप के लोग जब आए तो 90 से 2000 के बीच में 60 से 42% हो गया, और 2000 से 2010 वो 42% से 20% हो गया। यानी गौर करिए कि कहाँ 20 साल लगे थे 8% तक घटाने में, और उसके बाद वो 20% हुआ। और 2010 से जो 2020 का दशक है उसमें उन्होंने दिया कि अब वो 12% है, और उन्होंने जो पूरा कैलकुलेशन दिया था उसमें उन्होंने बताया कि 60 और 70 के दशक में जो ईश्वर का उल्लेख होता था उसके उल्लेख में आज की तारीख में 400% की गिरावट आ चुकी है। ये किस लिए हो गया था, ये ऐसी कौन सी बात यहाँ हो गई थी कि हिंदुस्तान की फिल्मों से ईश्वर गायब कर दिया गया, भगवान यहाँ से गायब कर दिए गए? तो ये एक सोची समझी साजिश थी। तो जो अभी अन्नू कपूर ने कहा है, तो अन्नू कपूर के लिए तो अभी जो मनीष जी ने बात की वो बात सही है कि अन्नू कपूर पे खुद जूते चलने लगे हैं। अन्नू कपूर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए कर रहा है, वो पता नहीं उसने बताई कि नहीं कि ये घोर नौटंकी बात सर्कुलर है। मैंने कहा कि अब आपसे मेरी बात हो रही थी, अन्नू कपूर को मैंने देखा है, वो जब इनकी प्रेस कभी जो मृगांक के जो पिता हैं उनके शो में जब मैं जब कभी भी गया गोपाल दास नीरज के, उसमें अन्नू कपूर गेस्ट रहा है, 1 लाख रुपए उसको मिलता है, अपना मौज लिया, वो उसमें मुझे घोर सेकुलर नजर आया। एकाएक अन्नू कपूर का एक बोलना ये भी मुझे चौंका रहा है, लेकिन अन्नू कपूर ने नग्न तो किया है, बॉलीवुड से आकर के कोई ये बोला तो नग्न तो किया है। हाँ नहीं, इसी बहाने वो फिर से चर्चा में आ गए, तो वो नहीं कह रहा हूँ बढ़िया किया उसने किया, लेकिन ये अन्नू कपूर की उम्र जो है हम लोगों से ज्यादा है मनीष जी। अन्नू कपूर कम से कम 60-65 साल का तो है ही है, वो 65 साल का तो है ही है। तो अन्नू कपूर के बाल अब उगे, उसके अकल की डाढ़ अब निकली कि ये आकर इस मुकाम पे आके बोल रहा है। वो अभी तक क्या कर रहा था, वो आज से नहीं पिछले 40 साल से इसी बॉलीवुड में रोटी तोड़ रहा है। लेकिन तो उसमें मैं अन्नू कपूर को ज्यादा दोष नहीं दूंगा। अभी मैं बताता हूँ कि इसकी वजह क्या, ये तो जो मैंने आपको धीरज शर्मा जी की रिपोर्ट बताई, उसके बाद उन्होंने 2020 में एक और रिपोर्ट लिखी थी, मनी 2020 से 15 की रिपोर्ट में उनके जिक्र था कि उन्होंने टॉप की वो 20 फिल्में उन्होंने उठाई जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह रिलीज हुई थी। ये जरा गौर करने वाली बात है कि जो 20 फिल्में पाकिस्तान में भी रिलीज हुई, हिंदुस्तान में भी रिलीज हुई, उनमें से 18 फिल्मों में, यानी 90% फिल्मों का ये था कि उन फिल्मों में ये दिखाया गया कि पाकिस्तान की सरकार तो बड़ी खराब है लेकिन वहां के आदमी बड़े उदार, बड़े मिलनसार, बड़े भारत को पसंद करने वाले हैं, लेकिन हिंदुस्तानी जो हैं वो बड़े रूढ़िवादी सांप्रदायिक और सोच के लोग हैं और वो बड़े दुष्ट हैं। तो ये हिंदुस्तान की फिल्में जो पाकिस्तान में भी रिलीज हो रही थी उनमें ये बताया जा रहा था कि वहां की सरकार खराब है, वहां के आदमी बड़े अच्छे हैं और हिंदुस्तान के आदमी भी खराब हैं, हिंदुस्तान के आदमी भी खराब हैं, और ये हिंदुस्तान की बॉलीवुड की बनने वाली फिल्में ये संदेश वहां दे रही थी। तो जरा सोचिए इसके पीछे काम कर रहा था। और इसके अलावा मनीष जी मैंने नोट करके रखा है, उसने और कुछ और उन्होंने तथ्य दिए थे जो अभी आप कह रहे थे, जिनका जिनका जिक्र
अन्नू कपूर ने भी किया कि वो पंडित है तो उसको खराब दिखाना है, मुसलमान है तो बड़ा शरीफ और सच्चा दिखाना है, तो उन्होंने दिखाया मनीष जी कि हाँ कि 62% फिल्मों में भ्रष्ट व्यवसायियों को वैश्य जाति का बताया गया। जरा ये गौर करिए कि 62% जो भ्रष्ट होते थे वो वैश्य होते थे, और 58% में उन्होंने दिखाया कि जो चरित्रहीन औरतें होती हैं उनमें वो जो चरित्रहीन नर्सें या इस तरह काम दिखाने वाली वो ईसाइन होती हैं, और उन्होंने दिया है मनीष जी हाँ कि जहाँ की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष था कि बॉलीवुड की फिल्मों में दर्शाए जाने वाले बच्चलन चरित्र महिला पात्रों में 78% को ईसाई दिखाया जाता है, 78% जो महिलाएं हैं जो चरित्रहीन है वो ईसाई होती हैं, 74% फिल्मों में सिखों को मजाक का पात्र बना के दिखाया गया, 74% फिल्मों में, यानी सिख मजाक का पात्र होते थे बॉलीवुड के लिए, 62% फिल्मों में भ्रष्ट व्यवसायियों को वैश्य जाति का दिखाया गया, 58% फिल्मों में भ्रष्ट नेताओं को हिंदू ब्राह्मण जाति का दिखाया गया, लेकिन लेकिन 88% फिल्मों में मुसलमानों को बड़ा नेक ईमानदार सच्चरित्र बड़ा दया करने वाला और बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द करने वाला दिखाया गया। ये ज्ञान कौन दे रहा था बॉलीवुड को? ये उन्होंने फिल्मों का पूरा अध्ययन करने के बाद, ये एक IIM के प्रोफेसर की रिपोर्ट है, मैंने कहा ना कि ये पैसा लेके बिक जाने वाले किसी फिल्म समीक्षक की रिपोर्ट ये नहीं है। तो बाकी दुनिया के लोग इतने दुष्ट हैं जो यहाँ बहुसंख्यक हैं जिनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन मुसलमान 88% बड़े ईमानदार हैं। और दर्शकों को याद होगा मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ये सलीम जावेद इसकी जोड़ी ने 24 फिल्में लिखी और उसी बंबई में रह के लिखी, जिस बंबई में जब से इनकी पैदाइश है समझिए, जब से ये बंबई में पैर घिसते चप्पल इनके जूते घिस गए होंगे तब से लेकर अब तक वहां पर सिर्फ मुसलमान गुंडों का ही कब्जा रहा। वहां पर करीम लाला हो, यूसुफ पटेल हो, महाजी मस्तान हो, हाँ यूसुफ पटेल था, दाऊद इब्राहिम हो, एक उसमें आता है वरद राजन मुदलियार, उसको अगर आप अलग कर दीजिए तो बाकी वहां जितने आते थे सब मुसलमान, लेकिन इनकी 24 की 24 फिल्में और सब ये गुंडागर्दी पे ही लिखते थे, उन 24 फिल्मों में एक भी फिल्मों का विलेन, एक भी फिल्मों का गुंडा मुसलमान नहीं था। तो ये जो बहाना बताते हैं कि जो आदमी लेखक देखता है अपने इर्द गिर्द देखता है, ये बंबई में रहकर इनको कभी वो मुसलमान गुंडे दिखाई नहीं दिए जो पूरे पूरे सांप्रदायिक आधार पर थे, तो ये एक एजेंडे के तहत ये काम कर रहे थे। और वही बात धीरज शर्मा की जो रिपोर्ट है, बड़ी लंबी रिपोर्ट है उनकी, 88% यानी इनको जरा मनीष जी गौर करिए, जवाब छिड़ गई यार कि इनको मुसलमान जब जिस समय गुंडई चरम पर थी, हाजी मस्तान की, यूसुफ पटेल की, करीम लाला का पूरा कुनबा वहां गुंडई कर रहा था, उस समय इनको मुसलमान जो था वो दीवार वाला रहीम चाचा नजर आता था जो जिसने उसके बिल्ले पीछे बौरा गया, या इनको बड़ा करीम रहीम करीम वो सोले वाला वो अंधा नजर आ गया, तो इनको मुसलमान बड़ा शरीफ नजर आता था, गुंडा तो कहीं था ही नहीं। गुंडा एक तरह से पूरे देश के दिमाग में ये कुछ और पिला रहे थे। तो हिंदुस्तान में फिल्म जिहाद का पौधा लगाने वाली ये जोड़ी, तो इसको अब ऊपर से वाले की लाठी पड़ी, अब इसकी समझ में आ रहा है कि क्या होता है।